Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Aaj ke lecture mein hum photosynthetic pigments ke topic ko aage badhate hue kuch aur nayi cheezon ko isme add karenge. Humne last lecture ke andar photosynthetic pigments ka topic start kiya tha. और उस टॉपिक में आपको बताया था कि पिगमेंट्स एक्चुअली क्या होते हैं और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं और उन टाइप्स का एक ओवरव्यू आपको प्रोवाइड किया था. तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल के ऊपर बात करेंगे. फिर इसी सिलसिले का जो अगला लेक्चर है उसमें हम इस टॉपिक को कम्प्लीट करेंगे. उसमें आपको एक्सेसरी पिगमेंट्स के बारे में बताएंगे. तो आज का हमारा लेक्चर केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल के मुताल्लिक होगा. तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं उनमें सबसे पहली चीज़ हमने डिस्कस करनी है कि व्हाट इज़ द केमिकल नेचर ऑफ क्लोरोफिल. और इसके साथ हम देखेंगे कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. और वो जो पार्ट्स होते हैं उन्हें कहते हैं हेड एंड टेल. तो आज के लेक्चर में हमने हेड एंड टेल की कंपोजिशन भी डिस्कस करनी है और इसके अलावा हमने ये भी देखना है कि हम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को भी दिया जा सकता है. तो हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि इसको ड्रॉ कैसे करना है. और इसके साथ साथ हमने क्लोरोफिल के जो दो पार्ट्स पॉइंट आउट आपको किए हैं, हेड और टेल, इनके दरमियान डिफरेंस भी हमने पॉइंट आउट करना है. और इसके साथ साथ हमने क्लोरोफिल ए और बी के दरमियान में भी डिफरेंस को ऑब्जर्व करना है. तो ये हमारे लर्निंग आउटकम्स होंगे आज के लेक्चर में. तो आप अपनी तवज्जो यहाँ पर मरकूज़ रखिए. इंशाल्लाह आपको लेक्चर के अख्ताम तक इन सारी बातों के ऊपर मुकम्मल अबूर हासिल हो जाएगा. देखिए, जहाँ तक क्लोरोफिल की केमिकल नेचर का ताल्लुक है तो क्लोरोफिल की केमिकल नेचर को एक्सप्लेन करते हुए आप ये बताएंगे कि क्लोरोफिल एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है. और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है जो डिफरेंट कैटेगरी के मॉलिक्यूल्स की कम्बिनेशन से प्रोड्यूस होते हैं. यानी जब दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट कैटेगरी के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो उनकी कोई स्टेबल फॉर्म वजूद में आती है. उस स्टेबल फॉर्म को कंजुगेटेड मॉलिक्यूल कहा जाता है. आपने कई एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स पढ़े होंगे जिनमें ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन, ये मेजर ग्रुप्स हैं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स के. बिल्कुल इसी तरह से क्लोरोफिल भी एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है. तो क्लोरोफिल किस तरह का कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है, इसके अंदर कौन कौन सी नेचर के केमिकल्स इनकॉर्पोरेट होते हैं और एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल वजूद में आता है, इस चीज़ को अभी हम आगे देखते हैं. तो क्लोरोफिल का जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि क्लोरोफिल बुनियादी तौर पर दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है. देखिए, क्लोरोफिल का एक हिस्सा कहलाएगा हेड ऑफ द क्लोरोफिल. जैसे ये हम यहाँ पर क्लोरोफिल हेड को पॉइंट आउट करेंगे, हेड ऑफ क्लोरोफिल. और जबकि दूसरा इसका पार्ट क्लोरोफिल टेल कहलाती है. एक्चुअली टू टेल्स क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में मौजूद हैं. तो इस तरह से क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल दो चीज़ों पर मुश्तमिल है. एक पार्ट को हेड कहा जाएगा और दूसरे पार्ट को टेल कहा जाएगा. और मैंने जैसे आपको बताया कि एक टेल नहीं बल्कि दो टेल्स होंगी. हेड और टेल दोनों की केमिकल नेचर डिफर करती है. हेड बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होता है. उस कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर को कहते हैं पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग. तो ये जो एक पोरफायरिन रिंग है, ये एक कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर है जो मजीद छोटे छोटे से पेंटागोनल रिंग्स की कम्बिनेशन से वजूद में आता है. और उन पेंटागोनल रिंग्स को कहते हैं पायरोल रिंग्स. तो एक पोरफायरिन रिंग ये फोर पायरोल रिंग से कंपोज्ड होता है, कंपोज्ड ऑफ फोर पायरोल रिंग्स. तो ये पायरोल रिंग्स क्या चीज़ें, पायरोल रिंग्स अभी आपको इनका स्ट्रक्चर दिखाते हैं कि पायरोल रिंग्स पेंटागोनल रिंग्स हैं. इन पेंटागोनल रिंग्स की कम्बिनेशन से एक कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर वजूद में आएगा जिसे पोरफायरिन रिंग कहा जाता है. और ये पोरफायरिन रिंग हेड कॉन्स्टिट्यूट करता है. अच्छा, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि दो तरह की टेल्स क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में मौजूद हैं, एक लॉन्ग टेल और दूसरी शॉर्ट टेल. तो जो लॉन्ग टेल है, लॉन्ग टेल दो चीज़ों की बनी हुई है. लॉन्ग टेल में एक मॉलिक्यूल प्रोपियोनिक एसिड होगा, प्रोपियोनिक एसिड.
जो कि एक ऑर्गेनिक एसिड की टाइप है, और इसके साथ एक टर्पिनोइड टाइप का लिपिड भी मौजूद होता है, उस टर्पिनोइड लिपिड को कहते हैं फाइटोल। तो इस तरह से लॉन्ग टेल ऑफ क्लोरोफिल दो चीज़ों की बनी हुई होती है, एक पार्ट इसमें प्रोपियोनिक एसिड और दूसरा पार्ट इसमें फाइटोल। फाइटोल जो कि एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, ये जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये लिपिड्स का एक ग्रुप होता है टर्पिनोइड, उससे ये बिलोंग करता है। इसका फार्मूला है C20H39, और जबकि प्रोपियोनिक एसिड इसका फार्मूला होगा C3H7COOH। तो ये C3H7COOH प्रोपियोनिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है, और फाइटोल जो कि टर्पिनोइड टाइप का लिपिड है C20H39, ये दोनों मिलकर लॉन्ग टेल ऑफ क्लोरोफिल को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इसके अलावा क्लोरोफिल में एक शॉर्ट टेल भी पाई जाती है, तो उस शॉर्ट टेल की कंपोजिशन कुछ इस तरह से है कि शॉर्ट टेल कंसिस्ट ऑफ मिथाइल ईस्टर। देखिए ईस्टर्स जो होते हैं ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक ग्रुप होता है। आपने असाइल ग्लाइसरोल पढ़े होंगे चैप्टर 2 के अंदर बायोमोलिक्यूल्स में, तो असाइल ग्लाइसरोल्स भी बेसिकली एस्टर कंपाउंड्स होते हैं। तो ये मिथाइल एस्टर ये शॉर्ट टेल में पाया जाएगा। तो इस तरह से ये दो टेल्स क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में मौजूद होती हैं। तो अब ये देखते हैं कि हेड और टेल को हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। हेड और टेल को ड्रॉ करना पहले सीख लेते हैं, उसके बाद फिर हम मज़ीद हेड और टेल की प्रॉपर्टीज़ को हाईलाइट करेंगे, और इस तरह से हम हेड और टेल का डिफरेंस भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। स्टूडेंट्स, हेड और टेल को ड्रॉ करना एक इंतहाई मुश्किल काम तसव्वुर किया जाता है स्टूडेंट्स के लिए, एक बहुत ही खौफनाक स्ट्रक्चर ये आम तौर पर लग रहा होता है, लेकिन अभी इंशाल्लाह आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करेंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊंगा। अगर आप उसको उसी तरतीब से फॉलो करेंगे और अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इंशाल्लाह बिल्कुल एग्जैक्ट हेड और टेल ऑफ क्लोरोफिल ड्रॉ कर सकेंगे। देखिए आप इस चीज़ को रट्टा लगाने की कोशिश ना कीजिएगा, आप इसको समझने की कोशिश करें और फिर देखिए आपको ये ड्रॉ करना बहुत आसान लगना शुरू हो जाएगा। देखिए क्लोरोफिल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्लोरोफिल का हेड ड्रॉ करेंगे, और मैंने अभी आपको बताया था कि हेड की कंपोजिशन क्या है। हेड इज़ कम्पोज ऑफ पोर फायरिन रिंग, और एक पोर फायरिन रिंग मज़ीद 4 पायरोल रिंग्स की कम्बिनेशन से वजूद में आता है। तो आप देखिए कि एक पोर फायरिन रिंग को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। एक पोर फायरिन रिंग को ड्रॉ करने के लिए आप सबसे पहले इस तरह से एक ऑब्लिक लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस ऑब्लिक लाइन को फिर एक और ऑब्लिक रिवर्स ऑब्लिक लाइन के साथ यूं क्रॉस कर देंगे, यानी आपने इस तरह से क्रॉस ड्रॉ करना है। तो इस क्रॉस में जो आपने ये रिवर्स ऑब्लिक लाइन ड्रॉ की है, इस रिवर्स ऑब्लिक लाइन को थोड़ा सा स्प्लिट कर देंगे, इसको आप इस तरह से कंटिन्यूस नहीं रहने देंगे। उसकी मैं अभी आपको वजह बताता हूँ कि हमने इस लाइन को क्यों इस तरह से स्प्लिट कर दिया है। अच्छा, अब आप सेंटर से इसको मिटा दें, और सेंटर में आप एक मैग्नीशियम का सिंबल प्लेस करेंगे। सेंटर ऑफ क्लोरोफिल इज़ ऑक्यूपाइड बाय मैग्नीशियम। तो आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम के ऊपर ये दो प्लस चार्जेस भी शो किए गए हैं। इन दो प्लस चार्जेस की भी अभी आपको लॉजिक बताते हैं। तो आपने नोट किया कि हमने क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए सबसे पहले एक ऑब्लिक लाइन ड्रॉ की है, और उसके बाद हमने उस ऑब्लिक लाइन को क्रॉस किया एक और रिवर्स ऑब्लिक लाइन के ज़रिए, लेकिन इस रिवर्स ऑब्लिक लाइन को हमने स्प्लिट कर दिया है और इन लाइंस के सेंटर में मैग्नीशियम एटम को पुट कर दिया है। अब आपने इस क्रॉस के चारों एंड्स के ऊपर नाइट्रोजन प्लेस करना है। तो इन चारों एंड्स के ऊपर आप इस तरह से नाइट्रोजन एटम प्लेस करेंगे। देखिए ये एक नाइट्रोजन, दूसरा, ये तीसरा नाइट्रोजन, और ये चौथा नाइट्रोजन। तो इस तरह से आपने ये चारों एंड्स इन लाइंस के नाइट्रोजन के ज़रिए ऑक्यूपाई कर दिए हैं। जब आप नाइट्रोजन प्लेस कर लेते हैं तो अब आप इन नाइट्रोजन्स के साथ हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे। देखिए पहले हम हॉरिजेंटल लाइंस ड्रॉ करते हैं और उसके बाद फिर हम वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे। ये आपने इस नाइट्रोजन के साथ एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की, फिर इसी तरह से आपने इस नाइट्रोजन के साथ भी एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी है। कोशिश ये करनी है कि लाइंस एक ही जितनी लेंथ की आप ड्रॉ करें। फिर इसी तरह से आप इस नाइट्रोजन के साथ भी एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करें,
उतनी ही लेंथ की, फिर आप इस नाइट्रोजन के साथ भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें उतनी ही लेंथ की। तो इस तरह से हमने इन चारों नाइट्रोजन्स के साथ हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। इसके बाद अब आपने इन नाइट्रोजन्स के साथ यूँ वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है, जैसे एक वर्टिकल लाइन आपने ये यहाँ पर ड्रॉ करी, एक वर्टिकल लाइन आपने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, एक वर्टिकल लाइन आपने यहाँ पर ड्रॉ कर दी और एक वर्टिकल लाइन आपने यहाँ पर ड्रॉ कर दी। तो यूँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस आप इन नाइट्रोजन्स के साथ ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद आपने अगले स्टेप में इस नाइट्रोजन के बिल्कुल अपोजिट, जैसे ये नाइट्रोजन इसके अपोजिट एक इस तरह से आप ऑब्लिक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इसी तरह से आपने इस नाइट्रोजन के अपोजिट भी एक ऑब्लिक लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है कि ये ज़रा सा इन लाइन से थोड़े से फासले पर ये ऑब्लिक लाइन होनी चाहिए। इसी तरह से आप यहाँ पर भी थोड़े से फासले से ये एक ऑब्लिक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आप इसी तरह से इस नाइट्रोजन से भी इसकी ये जो दोनों लाइन्स हैं इसके थोड़े फासले से ये ऑब्लिक लाइन ड्रॉ करेंगे। आपने ये ख्याल रखना है कि ये ऑब्लिक लाइन्स जितनी विड्थ इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन्स की है उससे ये कम विड्थ की ये ऑब्लिक लाइन्स होनी चाहिए। इन ऑब्लिक लाइन्स को ड्रॉ करने के बाद अब आप ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस थी इनके साथ इस ऑब्लिक लाइन को कनेक्ट कर देंगे। देखिए हम इसको ये यहाँ से इधर कनेक्ट करते हैं और इसको यहाँ से इधर कनेक्ट करते हैं, तो आपके सामने एक पेंटागोनल रिंग स्ट्रक्चर बन गया है। तो ये पेंटागोनल रिंग स्ट्रक्चर बेसिकली पायरोल रिंग है। ये जो हमने यहाँ पर लिखा था कि एक पोरफायरिन रिंग फोर पायरोल रिंग्स की कम्बिनेशन से बनता है, तो ये एक पायरोल रिंग यहाँ पे फॉर्म हो गया है। एक पायरोल रिंग में पांच मेंबर्स होते हैं, उनमें से एक नाइट्रोजन और बाकी फोर कॉर्नर्स के ऊपर कार्बन एटम्स मौजूद हैं, तो ये पायरोल रिंग नंबर वन कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड पायरोल रिंग नंबर वन ऑफ द पोरफायरिन। फिर इसी तरह से आप पायरोल रिंग नंबर टू बनाएंगे, तो पायरोल रिंग नंबर टू ये इस पॉइंट पे बनेगा, दिस इज कॉल्ड पायरोल रिंग नंबर टू। फिर इसी तरह से आप इनको भी आपस में कनेक्ट करके एक और पायरोल रिंग फॉर्म करेंगे और इस पायरोल रिंग को पायरोल रिंग नंबर थ्री कहा जाएगा। और फिर इसी तरह से आपने यहाँ पर भी ये लाइंस कनेक्ट कर देनी है और एक और पायरोल रिंग बन जाएगा, इस पायरोल रिंग को पायरोल रिंग नंबर फोर कहा जाएगा। तो इस तरह से ये टोटल फोर पायरोल रिंग्स फॉर्म हो गए। हर एक पायरोल रिंग पेंटागोनल रिंग स्ट्रक्चर है और उसमें एक नाइट्रोजन और फोर कार्बन एटम्स मौजूद हैं। अच्छा, अब आपने ये फोर पायरोल रिंग्स को आपस में ज्वाइन कर देना है। देखिए ये फोर पायरोल रिंग्स आपस में कैसे ज्वाइन होंगे, आपने ये इन दोनों के दरमियान यहाँ पर एक पॉइंट लेना है और उस पॉइंट से आप एक लाइन इसके साथ और एक लाइन इसके साथ यूँ मिला देंगे। इसी तरह से इन दोनों के दरमियान यहाँ पर आप एक पॉइंट लेंगे और इसी तरह से आप ये इस पॉइंट को दोनों तरफ यूँ कनेक्ट कर देंगे। इन दोनों के दरमियान आप ये एक पॉइंट लेंगे और इस पॉइंट के साथ आप इस तरह से ये कनेक्ट कर देंगे और फिर इसी तरह से आप इन दोनों के दरमियान एक पॉइंट लें और इसको भी कनेक्ट कर दें। तो इस तरह से आप देखिए कि ये कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर जो बज़ाहिर बड़ा खौफनाक सा लग रहा था वो बहुत आसानी से ड्रॉ हो गया। अभी ये पोरफायरिन रिंग कंप्लीट नहीं हुआ, अभी यहाँ पर दो स्टेप्स बाकी हैं। अच्छा, वो दो स्टेप्स क्या हैं? एक तो हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड्स प्लेस करने हैं और दूसरा यहाँ पर हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप्स को अरेंज करना है, तब जाकर ये रिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। अच्छा, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में याद रखिए कि ये चार पायरोल रिंग्स हैं, लेकिन इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा रिंग स्ट्रक्चर भी मौजूद होता है जिसको पायरोल तो नहीं कहा जाता, ये पायरोल की थोड़ी सी मॉडिफाइड फॉर्म है क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद नहीं है, इसके अंदर पांचों कार्बन एटम्स मौजूद हैं और ये रिंग यहाँ पर इस थर्ड पायरोल रिंग के नीचे मौजूद होगा। तो आमतौर पर इस रिंग को फिफ्थ रिंग कंसिडर किया जाता है, तो टोटल ये फाइव रिंग स्ट्रक्चर हो गए। लेकिन जब भी आपसे पोरफायरिन में पायरोल रिंग्स का नंबर पूछा जाए तो आपने एक पोरफायरिन के अंदर फोर पायरोल रिंग्स ही कंसिडर करने हैं। ये जो पांचवा है ये पायरोल रिंग नहीं है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा रिंग स्ट्रक्चर मौजूद है।
जी, तो अब हम इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशंस मेंशन करते हैं। देखिए, डबल बॉन्ड की पोजीशन भी इजीली इंडिकेट की जा सकती हैं, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशंस को शो करने से पहले मैं आपको ये इसकी लॉजिक बताता चलूँ कि देखिए, हमने यहाँ पर इस मैग्नीशियम के साथ इन चारों नाइट्रोजन्स को बॉन्ड बनाते हुए शो किया है। एक्चुअली मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, और ये 2 बॉन्ड्स बना सकता है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के जरिए। ऐसे बॉन्ड्स को कोवेलेंट बॉन्ड्स कहा जाता है। तो आपने देखा, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के साथ शेयर करके ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया है, और एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के साथ शेयर करके ये एक और कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया है। लेकिन इसके अलावा आप इस नाइट्रोजन के साथ और इस नाइट्रोजन के साथ भी इसका बॉन्ड बनता हुआ देख रहे हैं, तो एक्चुअली ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में फ़र्क ये होता है कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर एक ही एटम के इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे होते हैं टू मेक द बॉन्ड, जबकि एक जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें दोनों एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैग्नीशियम ने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा यहाँ पर बॉन्डिंग फॉर्म की है, इस वजह से ये 2+ चार्जेस इसके ऊपर आ गए हैं। तो ये भी एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा नाइट्रोजन के साथ, और ये भी एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अच्छा, अब हम डबल बॉन्ड की पोजीशन को शो करेंगे, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन शो करने से पहले आप इस रिंग में नंबरिंग करेंगे ताकि मज़ीद डिस्कशन आसान हो जाए। देखिए, नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? हमने ये जो पायरोल रिंग नंबर 1 है, यहाँ से नंबरिंग का आगाज़ करना है। ये आपको जैसे बताया था कि हर एक कॉर्नर के ऊपर कार्बन एटम्स मौजूद हैं, तो आप इस तरह से ये नंबरिंग शुरू करें। ये नंबर 1 कार्बन, ये नंबर 2, आपने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है पायरोल रिंग नंबर 1 से। तो ये नंबर 1, नंबर 2, देन नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, 11, 12, 13, 14। आपने इन दोनों कार्बन्स की नंबरिंग यहाँ पर शो नहीं करनी, इसको हम एंड पर नंबरिंग करेंगे। 14 के बाद ये 15, फिर 16, 17, 18, 19 और ये 20th कार्बन। तो इस तरह से ये 20 कार्बन्स हो गए, और इसको आप लिखेंगे 21 और 22। तो टोटल 22 कार्बन्स हैं। इस तरह से नंबरिंग करने के बाद आपने डबल बॉन्ड की पोजीशंस को शो करना है। देखिए, आप जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है, जबकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बना सकता है। तो हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये डबल बॉन्ड प्लेस करेंगे, और उसके बाद फिर जो मज़ीद इसके ऊपर ग्रुप्स लगने हैं उन ग्रुप्स को शो करेंगे। सबसे पहला डबल बॉन्ड आप ये कार्बन 1 और 2 के दरमियान प्लेस करेंगे। तो कार्बन 1 और 2 के दरमियान जब डबल बॉन्ड प्लेस कर देते हैं, तो अब आपने यहाँ से ये इस तरह से क्लॉकवाइज मूव करते हुए बॉन्ड्स को प्लेस करना है, और इसी तरह से आप यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज भी मूव करते हुए डबल बॉन्ड्स को प्लेस करेंगे। अच्छा, अगर आप ये क्लॉकवाइज यहाँ से मूव करते हैं, तो आपने 1 और 2 के दरमियान अगर डबल बॉन्ड प्लेस किया है, तो फिर 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड प्लेस नहीं करेंगे। अब आप डबल बॉन्ड प्लेस करेंगे 3 और 4 के दरमियान। तो आप याद रखिए कि हमने ये डबल बॉन्ड्स अल्टरनेटिव पोजिशंस के ऊपर शो करना है। तो उसके बाद फिर आप 4 और 5 के दरमियान डबल बॉन्ड शो नहीं करेंगे, अगला डबल बॉन्ड आएगा 5 और 6 के दरमियान। बिल्कुल इसी तरह से अब आप 6 और 7 को स्किप कर देंगे, लेकिन 7 और 8 के दरमियान एक डबल बॉन्ड आएगा। उसके बाद फिर आपने 8 और 9 को स्किप कर देना है, और 9 और 10 के दरमियान एक डबल बॉन्ड प्लेस करना है। फिर आपने इसी तरह से 10 और 11 को स्किप कर देना है, और इसके साथ एक डबल बॉन्ड प्लेस करना है 11 और 12 के दरमियान। उसके बाद अब आपने 12 और 13 को स्किप करना है, और एक डबल बॉन्ड आपने ये इस जगह पर प्लेस करना है। इसकी क्या वजह है, यहाँ पर डबल बॉन्ड क्यों आएगा? दरअसल यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर नहीं किया हुआ, तो वो इलेक्ट्रॉन ये इस जगह पर शेयर कर देता है। इस तरह से ये एक बॉन्ड इस जगह पर इसने बनाया है, और 2 बॉन्ड ये इस जगह पर बना लेगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने इस जगह पर ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इस जगह पर ये इस वजह से डबल बॉन्ड डेवलप हो रहा है। उसके बाद अब आपने 13 और 14 को स्किप करते हुए 14 और 15 के दरमियान डबल बॉन्ड प्लेस करना है। फिर इसी तरह से आपने 15 और 16 को स्किप करके 16 और 17 के दरमियान डबल बॉन्ड प्लेस करना है। फिर आपने 17 और 18 को स्किप कर देना है, और
18 और 19 के दरमियान डबल बॉन्ड प्लेस करना है, और फिर इसी तरह से आपने अब ये 19 और 20 को स्किप करना है, लेकिन एक डबल बॉन्ड आप ये इस जगह पर नाइट्रोजन के साथ शो करेंगे। यहाँ पर भी वही लॉजिक है, क्योंकि इस नाइट्रोजन ने मैग्नीशियम के साथ यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है कि नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर नहीं किया, सिर्फ मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए शेयर हुए। तो इस वजह से इस नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे शेयर कर लिया है, एक बॉन्ड इसने यहाँ बनाया और बाकी दो बॉन्ड यहाँ बना लिए। इस तरह से आप देखिए कि डबल बॉन्ड्स की तमाम पोजीशंस यहाँ बिल्कुल सेट हो गई हैं जी। तो अब हम इसके जो एडिशनल फंक्शनल ग्रुप्स इस रिंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनको प्लेस करेंगे। देखिए उन फंक्शनल ग्रुप्स को भी याद रखना बहुत आसान है, उसको भी अगर आप इसी तरह से टेक्निकली ऑब्जर्व करेंगे, लर्न करने की कोशिश करेंगे, तो आप इजीली उन ग्रुप्स को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ये ग्रुप्स यहाँ पर तीन किस्म के ग्रुप्स हैं, एक तो इसमें मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे CH3, और एक जगह पर आपको CH2CH3 यानी इथाइल ग्रुप नज़र आएगा, और फिर इसी तरह से आपको एक जगह पर ये CH डबल बॉन्ड CH2 यानी इथीन ग्रुप नज़र आएगा। असल में ये भी CH2 होता है, लेकिन जब ये अटैच होगा तो ये अपना एक हाइड्रोजन लूज़ कर देता है, तो इस वजह से ये इथीन ग्रुप है। और बिल्कुल इसी तरह से एक जगह पर R ग्रुप आपको नज़र आएगा। तो हमने ये याद रखना है कि मिथाइल किस पोजीशन पर अटैच होंगे, ये इथाइल ग्रुप किस पोजीशन पर आएंगे, इथीन कहाँ पर आएगा, और R ग्रुप किस जगह पर अटैच होगा। तो आप ये याद रखिए कि कार्बन नंबर 1, देन 11 एंड देन 17, यहाँ पर आपको मिथाइल ग्रुप अटैच करना है 1, 11 एंड 17 के ऊपर। अच्छा, फिर आपने ये इथाइल ग्रुप को प्लेस करना है 7th पोजीशन के ऊपर, इसको आप 7th पोजीशन के ऊपर शो करेंगे। आपने ये इथीन ग्रुप को प्लेस करना है एट सेकंड पोजीशन, और ये जो R ग्रुप है इट विल बी प्लेस्ड ऑन 6th पोजीशन जी। तो आप देखिए हम इस तरह से ये की बनाकर ये ग्रुप्स की अरेंजमेंट यहाँ पे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मिथाइल को यहाँ पे शो करते हैं, मिथाइल आपने 1, 11 और 17, तो ये देखिए ये फर्स्ट कार्बन एटम है, इस जगह पर आपने ये मिथाइल ग्रुप अटैच कर देना CH3, तो ये मिथाइल ग्रुप CH3 फर्स्ट पोजीशन पर आ गया। उसके बाद 11th पोजीशन के ऊपर यहाँ पर भी ये CH3 मिथाइल ग्रुप इस पोजीशन पर आ गया। फिर 17th पोजीशन के ऊपर यहाँ पर भी आपने CH3 ये एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया। तो आपने इन तीन पोजीशंस के ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिए। इसके अलावा अब आपने 7th पोजीशन के ऊपर इथाइल ग्रुप, तो इस जगह पर आपने ये CH2CH3 ये इस तरह से आपने इथाइल ग्रुप 7th पोजीशन के ऊपर शो कर दिया। और फिर इथीन को आपने 2nd पोजीशन पे शो करना है। देखिए ये है 2nd पोजीशन, इस जगह पर ये एक बॉन्ड, ये CH और इसके साथ डबल बॉन्ड और इसके साथ CH2, तो ये इथीन ग्रुप ये इस 2nd पोजीशन के ऊपर अटैच हो गया। और उसके बाद फिर अब आपने R ग्रुप को प्लेस करना है। देखिए R ग्रुप प्लेस होगा इस 6th पोजीशन के ऊपर, इस जगह पर R ग्रुप प्लेस किया जाता है। तो R ग्रुप एक्चुअली क्या है? R ग्रुप एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने इसी R ग्रुप की बेसिस के ऊपर एक दूसरे से डिफर करते हैं। R ग्रुप की जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में डिफर करती है। मिसाल के तौर पर क्लोरोफिल ए के केस में R ग्रुप CH3 की फॉर्म में होगा, और जबकि इसके मुकाबले में क्लोरोफिल बी में यही R ग्रुप एक अल्डिहाइड ग्रुप की शक्ल में मौजूद होगा CHO की फॉर्म में। तो आपने देखा कि R ग्रुप की बेसिस के ऊपर आप क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन से टाइप का क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल ए में R ग्रुप मिथाइल की फॉर्म में है, और क्लोरोफिल बी में R ग्रुप अल्डिहाइड की फॉर्म में। इसी वजह से क्लोरोफिल ए और बी का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी थोड़ा थोड़ा डिफर करता है। अगर हम क्लोरोफिल ए और बी का मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पर लिखें तो आप देखेंगे कि क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C55H72O5N4
Mg। और क्लोरोफिल बी का मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसमें कार्बन तो वही C55, लेकिन हाइड्रोजन दो कम हो जाएंगे, H70, ऑक्सीजन एक बढ़ जाएगा O6, और N4Mg। तो इस तरह से आप ये क्लोरोफिल ए और बी का मॉलिक्यूलर फार्मूला देख रहे हैं जो थोड़ा थोड़ा सा एक दूसरे से डिफर करता है। क्लोरोफिल ए और बी का मॉलिक्यूलर फार्मूला अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपने इसको इस तरह से रट लेना है, याद रखना है। इसके अलावा जब हम डिफरेंशिएट करेंगे क्लोरोफिल ए और बी को, तो उसमें भी हम इस पॉइंट को मेंशन करेंगे। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट अ पर्टिकुलर क्लोरोफिल इज़ अ क्लोरोफिल ए और इट इज़ अ क्लोरोफिल बी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल स्ट्रक्चर, तो आप ये किस तरह से रिकग्नाइज करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर की बुनियाद के ऊपर कि ये क्लोरोफिल ए है, ये क्लोरोफिल बी है। तो आपने बताना है कि द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी डिफर्स ऑन द आर ग्रुप। तो ये आर ग्रुप किस जगह पर है, ये आर ग्रुप सेकेंड पायरोल रिंग के ऊपर है। तो सेकेंड पायरोल रिंग के ऊपर अगर इस आर ग्रुप में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर ये क्लोरोफिल ए होगा, और अगर इसी सेकेंड पायरोल रिंग के ऊपर आर ग्रुप CHO की फॉर्म में मौजूद है तो ये क्लोरोफिल बी कहलाएगा। अच्छा, इन ग्रुप्स को यहाँ पे प्लेस करने के बाद एक और ग्रुप भी हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, और वो ग्रुप है ऑक्सी ग्रुप। तो ऑक्सी ग्रुप यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ऑक्सी ग्रुप कहा जाता है, ये कहाँ पर प्लेस होगा, ये एक्चुअली 22nd पोजिशन के ऊपर प्लेस किया जाएगा। 22nd, आप देखिए 22nd पोजिशन ये इस एक्स्ट्रा रिंग में एग्जिस्ट कर रही है, तो इस एक्स्ट्रा रिंग में यहाँ पर आपने डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन को प्लेस करना है। तो ये ऑक्सीजन बेसिकली ऑक्सी ग्रुप है, ये यहाँ पर आ गया। अब एंड पर हम हाइड्रोजन्स प्लेस करेंगे वैलेंसीज को जस्टिफाई करने के लिए। अब आप देखिए चारों तरफ कहाँ कहाँ पर वैलेंसीज अनजस्टिफाइड हैं, वहाँ पर हाइड्रोजन प्लेस करके आप वैलेंसीज को जस्टिफाई कर सकते हैं। आप ये कार्बन वन से स्टार्ट कर लें, यहाँ पर आप मिथाइल ग्रुप देख रहे हैं, तो इस कार्बन की वैलेंसी जस्टिफाई हो गई, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन्स और एक बॉन्ड इसने इस तरफ बनाया हुआ है। अब इस कार्बन वन को देखिए, यहाँ 2 बॉन्ड्स हैं, यहाँ एक बॉन्ड और एक बॉन्ड ये, तो 4 बॉन्ड इसके कंप्लीट। इसी तरह से कार्बन टू के ये 4 बॉन्ड्स कंप्लीट। आप अगर इस कार्बन थ्री को देखिए तो यहाँ भी इसके 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हैं, 2 इस तरफ और एक ये। लेकिन कार्बन फोर में आपको 3 बॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं, तो आप इस जगह पर हाइड्रोजन प्लेस करके इसकी वैलेंसी को जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि 2 बॉन्ड्स इस तरफ हैं, एक बॉन्ड ये, तो ये हाइड्रोजन अटैच होगा, तो इस तरह से इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, कार्बन फाइव के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हैं, कार्बन सिक्स के भी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए, कार्बन सेवन के भी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हैं, और इसी तरह से आप इनकी भी वैलेंसीज देख रहे हैं, जस्टिफाइड हैं। 8th कार्बन के भी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हैं, लेकिन 9th के साथ आप देखिए यहाँ हाइड्रोजन प्लेस करना पड़ेगा। तो इस तरह से इस 9th कार्बन के भी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। और दूसरी तरफ अब आपने 10th कार्बन को रिव्यू करना है, यहाँ पर भी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हैं, 11th के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए, 12th के भी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हैं, 13 के भी कंप्लीट हैं, 14 के भी कंप्लीट हैं, 15 के भी कंप्लीट हैं, 16, 17, 16 में यहाँ पर अभी एक गुंजाइश है, इधर हाइड्रोजन मौजूद होगा, लेकिन ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा बाय द टेल, क्योंकि अभी हम यहाँ पर टेल अटैच करेंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अच्छा, फिर इसी तरह से 18, लेकिन 19 के साथ आपको यहाँ एक हाइड्रोजन प्लेस करना पड़ेगा, और 20th भी यहाँ पर जस्टिफाइड है। इसी तरह से एक हाइड्रोजन ये इस जगह पर हम प्लेस कर सकते हैं 21 के साथ, लेकिन 21 के नीचे यहाँ पर एक और शॉर्ट टेल अटैच होती है, तो इस तरह से इसकी वैलेंसी भी जस्टिफाई हो जाएगी। तो आपने देखा कि हमने ये पोरफायरिन रिंग को किस तरह से ड्रॉ किया है। अगर आप इस पोरफायरिन रिंग को स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करेंगे तो आप एक एटम की, एक बॉन्ड की भी गलती नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर आप वैसे रटा मारने की कोशिश करेंगे तो ये सारी उम्र आपको क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर याद नहीं होगा। तो क्लोरोफिल ए के पोरफायरिन को आपने देखा याद करना कितना आसान था। आप यूँ स्टेप बाय स्टेप इसको ड्रा करें, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इस तरह से आप इसको ड्रा करना सीख जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात और भी याद रखिए कि इस तरह का पोरफायरिन रिंग हीमोग्लोबिन के हेम पोर्शन के अंदर भी प्रेजेंट होता है। हमारे बॉडी के अंदर जो ये ऑक्सीजन कैरियर मॉलिक्यूल है, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, तो इस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में हेम पोर्शन पाया जाता है जो कि उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप है। तो उस प्रोस्थेटिक ग्रुप में भी इसी तरह का एक पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होता है, लेकिन उस पोरफायरिन रिंग में जो चीज़ मेनली डिफर करती है वो ये सेंट्रल
एटम है। यहाँ आपने क्लोरोफिल के पोरफायरिन में सेंटर में मैग्नीशियम को देखा, जबकि हीमोग्लोबिन के हेम ग्रुप के सेंटर में आयरन प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ मैग्नीशियम। तो ये डिफरेंस है बिटवीन पोरफायरिन ऑफ क्लोरोफिल एंड द पोरफायरिन ऑफ हीमोग्लोबिन। जी स्टूडेंट्स, तो आप देखते हैं कि हम क्लोरोफिल टेल किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अभी आपको बताया था कि दो तरह की टेल्स क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में मौजूद हैं, एक लॉन्ग टेल और दूसरी शॉर्ट टेल। तो लॉन्ग टेल की कंपोजिशन अभी आपको बताई थी कि लॉन्ग टेल प्रोपियोनिक एसिड प्लस फाइटोल पर मुश्तमिल है और इसके अलावा शॉर्ट टेल मिथाइल ईस्टर पर मुश्तमिल है। तो आइए देखते हैं कि हम इनका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोपियोनिक एसिड को किस तरह से यहाँ पर हम शो करेंगे। देखिए, ये जो लॉन्ग टेल है ये 16th कार्बन के नीचे यहाँ पर अटैच होगी। तो इसमें सबसे पहले इस लॉन्ग टेल में प्रोपियोनिक एसिड इस पॉइंट पर अटैच होता है और उसके नीचे फिर ये फाइटोल अटैच होगा। प्रोपियोनिक एसिड मैंने आपको बताया था कि ये C3H7COOH, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है। इस ऑर्गेनिक एसिड को यहाँ इस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। देखिए, इस ऑर्गेनिक एसिड की अटैचमेंट चूँकि यहाँ पर होगी तो हम ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये इस जगह पर आ जाएगा CH2CH2CONOH। तो इस तरह से ये प्रोपियोनिक एसिड ये 16th कार्बन के नीचे अटैच हो जाता है। तो इस प्रोपियोनिक एसिड के नीचे यहाँ पर फाइटोल मॉलिक्यूल अटैच होगा। तो फाइटोल का कंप्लीट अगर फार्मूला देखा जाए तो फाइटोल, जो कि मैंने अभी आपको शुरू में बताया था, ये लिपिड की एक टाइप है। लिपिड में जो टर्पिन वाइट टाइप के लिपिड्स होते हैं उनसे ये ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस फाइटोल का कंप्लीट फार्मूला होता है C20H30NOH, लेकिन अटैच होते हुए अपना OH ये लूज़ कर देगा इसका OH और यहाँ से H लिबरेट हो जाएगा और इस तरह से ये C20H39 वाला जो पोर्शन है इसका वो इसके नीचे अटैच हो जाएगा। अब ये C20H39 इसको हम यहाँ पर किस तरह से अटैच कर सकते हैं, ये अटैच करना बहुत आसान है। इसको भी आपने टेक्निकली याद करना है, अदरवाइज़ ये आपको C20H39 याद नहीं रहेगा। तो वो टेक्निकली किस तरह से आपने इसको ड्रॉ करना है आइए देखते हैं। तो इसमें आपने इसको ड्रॉ करते हुए सबसे पहले 15 कार्बन्स की एक चेन इसके नीचे ड्रॉ करनी है, 15 कार्बन्स की चेन, और ये 15 कार्बन की चेन इस ज़िगज़ैग डायरेक्शन में आप इसको बनाएंगे। तो ये देखिए, हमने ये 15 कार्बन की एक चेन ड्रॉ की है ज़िगज़ैग। ये आपको हर एक जो कॉर्नर नज़र आ रहा है ये कार्बन एटम है। जैसे ये इस जगह पे कार्बन है, फिर यहाँ पर कार्बन है, फिर यहाँ, तो ये सारे कार्बन एटम्स हैं। तो इनकी हम अगर नंबरिंग शो करें तो हमें आसानी रहेगी इसको मज़ीद ड्रॉ करने में। देखिए, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो इस तरह से ये 15 कार्बन्स की एक चेन हमने ड्रॉ कर ली। तो इन 15 कार्बन्स की चेन ड्रॉ करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम इसमें 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड क्रिएट कर देंगे। 2 और 3 के दरमियान यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अच्छा, बाकी हम क्या करेंगे, बाकी हम 3, 7, 11 और 15 के ऊपर मिथाइल ग्रुप्स लगाएंगे। देखिए, हमने थर्ड पोजीशन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप अटैच करना है CH3। सिमिलरली हमने 7th के ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच करना है CH3। फिर हमने 11th के ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच करना है CH3। फिर हमने 15th के ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच करना है, लेकिन यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच किए जाएंगे, एक मिथाइल ग्रुप इस जगह पर और एक मिथाइल ग्रुप ये इस जगह पर। इस तरह से ये 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच किए जाएंगे। पहले स्टेप में आपने ये 15 कार्बन्स की चेन ड्रॉ करके सेकंड और थर्ड के दरमियान डबल बॉन्ड क्रिएट किया और फिर अगले स्टेप में हमने मिथाइल ग्रुप्स अटैच किए हैं। आप इन मिथाइल ग्रुप्स की पोजीशंस को बस याद कर लें, 3rd, 7th, 11th एंड 15th। 15th के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, बाकी 3, 7 और 11 के ऊपर 1-1 मिथाइल ग्रुप हैं। उसके बाद अब आप इसकी वैलेंसीज को जस्टिफाई करते चले जाएँ। देखिए, ये इस जगह पर OH ग्रुप है, तो जैसे अभी मैंने बताया था कि इसके पास यहाँ पर मौजूद होता है CH2, ठीक है, तो इसके साथ CH2 के साथ यहाँ OH ग्रुप है, तो OH ग्रुप इसके H को लेकर निकल जाएगा और इस तरह से ये चीज़ सिर्फ ऑक्सीजन रह जाएगी। तो अब इस ऑक्सीजन के साथ एक्चुअली इस कार्बन का ये लिंक यहाँ पे बन गया है।
उसके बाद ये सेकंड कार्बन के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन की गुंजाइश है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। थर्ड की वैलेंसी जस्टिफाइड है। फोर्थ के साथ दो हाइड्रोजन्स की गुंजाइश है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे H2। फिर इसी तरह से आप फिफ्थ के साथ भी H2, सिक्स के साथ भी H2, फिर इसी तरह से आप सेवन्थ के साथ देखिए, तो एक बॉन्ड यहाँ बना हुआ है, एक यहाँ, तो एक हाइड्रोजन की यहाँ गुंजाइश है। अच्छा, फिर इसी तरह से आप एट्थ के साथ, तो एट्थ के साथ आप दो हाइड्रोजन्स यहाँ पे शो करेंगे H2, नाइन्थ के साथ भी दो हाइड्रोजन्स H2, टेंथ के साथ भी दो हाइड्रोजन्स H2, लेकिन इलेवंथ के साथ सिर्फ एक ही हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगा, क्योंकि एक बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ बना हुआ है। तो सिमिलरली आप 12 के साथ भी दो हाइड्रोजन्स शो करेंगे H2 यहाँ, 13 के साथ भी दो हाइड्रोजन्स H2, और फिर आप 14 के साथ भी H2, लेकिन 15th के साथ सिर्फ आप एक हाइड्रोजन प्लेस करेंगे। अब आप देखिए, आप अगर इसमें कार्बन्स और हाइड्रोजन्स को काउंट करें तो ये एग्जैक्टली C20H39 बन गया है। तो आपने इसको रट्टा मारने के बजाय, आप अगर यूँ स्टेप बाय स्टेप इसको ड्रा करें तो आप बिल्कुल आसानी से इस टेल को ड्रा कर सकेंगे। तो आपने देखा कि क्लोरोफिल की ये जो लॉन्ग टेल है, ये दरअसल दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। इस पोर्शन को कहते हैं प्रोपियोनिक एसिड, ये पार्ट क्या था, प्रोपियोनिक एसिड, जो कि एक ऑर्गेनिक एसिड है, और जबकि ये वाला जो पोर्शन है इसे कहते हैं फाइटोल। तो फाइटोल बुनियादी तौर पर एक टर्पिनॉइड टाइप का लिपिड है। तो ये थी क्लोरोफिल की लॉन्ग टेल। इसी तरह से क्लोरोफिल में एक शॉर्ट टेल भी मौजूद है, जो इस 21 कार्बन के नीचे अटैच होगी, और जो शॉर्ट टेल है वो दरअसल मिथाइल ईस्टर पर मुश्तमिल है। देखिए, मिथाइल ईस्टर यहाँ पर 21 नंबर कार्बन के नीचे अटैच होगा। ये इस तरह से अटैच होना है मिथाइल ईस्टर, कि ये कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, उसके नीचे एक और ऑक्सीजन है, लेकिन इस ऑक्सीजन के नीचे मिथाइल ग्रुप मौजूद है। तो ये है मिथाइल ईस्टर मॉलिक्यूल, जो कि इस 21 कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। इस तरह से 21 कार्बन की वैलेंसी भी जस्टिफाई हो जाएगी और ये ग्रुप भी अटैच हो जाएगा। तो इस ग्रुप का नाम है मिथाइल ईस्टर। तो मिथाइल ईस्टर के अटैच होने के बाद अब ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। तो आपने देखा कि क्लोरोफिल स्ट्रक्चर ड्रा करना कितना आसान है। अगर ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो फिर आपको ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर ड्रा भी करना होगा। इस वजह से आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। आप जिस तरह से आपको गाइड किया है, स्टेप बाय स्टेप इसको ड्रा करने की कोशिश करें, तो आप इंशाल्लाह बिल्कुल इसको एग्जैक्टली ड्रा कर सकेंगे। इसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं रहेगी। जी, तो अब हम मज़ीद इसमें देखते हैं कि ये जो हेड और टेल ऑफ क्लोरोफिल हैं, इनमें मज़ीद क्या डिफरेंसेस हैं। देखिए, ये जो हेड हमने डिस्कस किया था, पोरफायरिन रिंग, जो कि फोर पायरोल रिंग की कम्बिनेशन से वजूद में आया है, इसकी फिजिकल नेचर टेल से डिफर करती है। तो हेड ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज पोलर एंड हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रोफिलिक का मतलब है कि ये वाटर सॉलेबल है, वाटर सॉलेबल है, वाटर अट्रैक्टिव मॉलिक्यूल है, वाटर अट्रैक्टिव पार्ट है क्लोरोफिल का। तो ये पोलर और हाइड्रोफिलिक होने की वजह से ये थैलोकोइड मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड नहीं होता, ये थैलोकोइड मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर प्रोजेक्टेड होता है। ये थैलोकोइड मेम्ब्रेन की वो जो लिपिड बायलेयर है उसके अंदर ये एम्बेडेड नहीं होगा, ठीक है। तो ये थैलोकोइड मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर मौजूद रहेगा, और वहाँ पर रहते हुए ये लाइट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इसकी दूसरी एक और प्रॉपर्टी क्या है कि ये लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट है, लाइट अब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ द क्लोरोफिल। दूसरी तरफ ये जो टेल्स आपको बताई थी, दोनों टेल्स, ये बुनियादी तौर पर नॉन पोलर इन नेचर है। इनकी फिजिकल नेचर क्या एक्सप्लेन की जाएगी कि बोथ ऑफ देम आर नॉन पोलर, और नॉन पोलर होने के साथ साथ बोथ ऑफ देम आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक का मतलब है कि ये वाटर हीटिंग पार्ट्स हैं, यानी ये वाटर इनसॉलेबल हैं, यानी ये थैलोकोइड मेम्ब्रेन के सरफेस पर रहने के बजाय ये उसके अंदर इम्बेड कर जाते हैं। उसकी वो जो लिपिड बायलेयर है, देखिए इस तरह से जो थैलोकोइड मेम्ब्रेन आप पढ़ चुके हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो थैलोकोइड मेम्ब्रेन का अगर हम ये स्ट्रक्चर मैग्नीफाई करें तो आपको नज़र आएगा कि थैलोकोइड मेम्ब्रेन इस तरह से लिपिड बायलेयर पर मुश्तमिल है। तो इस लिपिड बायलेयर के अंदर आपको क्लोरोफिल की टेल्स अंदर एम्बेडेड नज़र आएंगी। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, सपोज ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का हेड ये सरफेस के ऊपर है, जबकि इसकी टेल्स ये इस मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड नज़र आएंगी।
तो इसी वजह से टेल्स को एंकरिंग पार्ट ऑफ क्लोरोफिल कहा जाता है. टेल्स आर कॉल्ड एंकरिंग. एंकरिंग का मतलब क्या है? एंकरिंग का मतलब है कि एक ऐसा पार्ट जिसके जरिए कोई चीज़ दूसरी जगह पर धसी हुई होती है, अटैच्ड होती है. जैसे ये जो बहरी जहाज़ आते हैं साहिल के ऊपर, जब वो आकर खड़े होते हैं तो एक बहुत बड़ा एक लोहे का टुकड़ा जिसको एंकर कहा जाता है, लंगर उसको उर्दू में कहते हैं, तो वो डाल दिया जाता है साहिल के ऊपर. और वो एंकर बेसिकली जो साहिल की रेत होती है उसके अंदर वो धंस जाता है. तो उसका फ़ायदा ये होता है कि लहरों की वजह से वो बहरी जहाज़ दोबारा समंदर की जानेब मूव नहीं कर पाता. तो उस चीज़ को कहते हैं एंकर. तो ये टेल्स भी क्लोरोफिल के एंकरिंग पार्ट्स हैं. इनके ज़रिए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लिपिड बाय लेयर ऑफ थैलोकोइड मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड हैं. तो आपने नोट किया कि हेड और टेल ऑफ क्लोरोफिल में क्या डिफरेंस है. जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये पूछा जाएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन हेड एंड टेल ऑफ द क्लोरोफिल. बहुत फेमस शॉर्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का. तो आपने 3 पॉइंट इसमें ज़रूर पॉइंट आउट करने हैं. एक हेड और टेल की कंपोजिशन आपने डिफरेंशिएट करनी है, जो आपको अभी बताई थी कि ये पोरफायरिन पर मुश्तमिल हेड, और जबकि टेल्स में 2 टेल्स हैं, एक लॉन्ग टेल प्रोपियोनिक एसिड और फाइटोल पर मुश्तमिल है, और शॉर्ट टेल मिथाइल एस्टर पर मुश्तमिल है. फिर आप इसकी फिजिकल नेचर एक्सप्लेन करेंगे कि ये पोलर और हाइड्रोफिलिक इन नेचर है हेड, जबकि टेल्स आर नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक इन नेचर. और फिर इसी तरह से इनका फंक्शन, इनका रोल भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हेड ऑफ द क्लोरोफिल इज लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट, और जबकि टेल ऑफ द क्लोरोफिल इज एंकरिंग पार्ट. यूं आप हेड और टेल ऑफ क्लोरोफिल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. जी, तो एंड के ऊपर हम अब क्लोरोफिल ए और बी के दरमियान भी डिफरेंशिएट करते हैं कि क्लोरोफिल ए और बी में किस तरह से डिफरेंशिएट किया जा सकता है. देखिए, हमने क्लोरोफिल ए और बी के मुताबिक आपको शुरू में बताया था कि इनका जो पोरफायरिन पोर्शन है वो अपने आर ग्रुप की बेसिस के ऊपर डिफर करता है. क्लोरोफिल ए में ये मिथाइल की फॉर्म में, और क्लोरोफिल बी में ये अल्डिहाइड की फॉर्म में. इसी तरह से इन दोनों क्लोरोफिल्स का मॉलिकुलर फार्मूला भी एक दूसरे से डिफर करता है. फिर इसी तरह से आप देखिए कि क्लोरोफिल ए और बी में कलर शेड का भी थोड़ा सा फ़र्क होता है. क्लोरोफिल ए ये थोड़ा सा आपको ब्लूश ग्रीन नज़र आएगा, और जबकि क्लोरोफिल बी ये स्लाइटली येलोइश ग्रीन हैं. तो ये दोनों ग्रीन पिगमेंट्स, लेकिन थोड़ा सा इनके ग्रीन शेड में फ़र्क है. तो क्लोरोफिल ए स्लाइटली ब्लूश ग्रीन है और क्लोरोफिल बी स्लाइटली येलोइश ग्रीन पिगमेंट है. फिर इसी तरह से इन दोनों क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के फंक्शन में भी फ़र्क है. देखिए, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ये नेसेसरी पिगमेंट है. क्लोरोफिल ए एक नेसेसरी पिगमेंट है जो लाइट रिएक्शन में डायरेक्ट रोल परफॉर्म करेगा, जबकि क्लोरोफिल बी इज़ अ टाइप ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट. ये एक एक्सेसरी पिगमेंट है. एक्सेसरी पिगमेंट का क्या मतलब होता है, ये अभी हम अगले टॉपिक के अंदर, जिसमें हम फोटोसिस्टम डिस्कस करेंगे, वहाँ पर आपको ये नेसेसरी पिगमेंट और एक्सेसरी पिगमेंट का मज़ीद डिफरेंस समझाएंगे कि ये जो एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं ये लाइट रिएक्शन में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे होते हैं. ये लाइट एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को मुंतकिल कर देंगे, और फिर क्लोरोफिल ए से लाइट रिएक्शन फर्दर आगे ड्राइव होगा. तो इस वजह से क्लोरोफिल ए को नेसेसरी पिगमेंट कहा जाता है और क्लोरोफिल बी को एक्सेसरी पिगमेंट्स में शुमार किया जाता है. यूं आप क्लोरोफिल ए और बी को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर में हमने केमिकल नेचर ऑफ क्लोरोफिल को आइडेंटिफाई कर लिया है. अब आप ये बता सकते हैं कि क्लोरोफिल के जो मेन पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, यानी हेड और टेल, और उन हेड और टेल्स की केमिकल कंपोजिशन क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और हम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को ड्रॉ कैसे कर सकते हैं. और इसके साथ हमने क्लोरोफिल ए और बी के दरमियान डिफरेंस को भी अंडरस्टैंड किया. अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे. इसका जो बकाया हिस्सा है उसको हम डिस्कस करेंगे. इसके अलावा आज के लेक्चर में अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिए. आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो भी मुझे बताएं. तो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में उनको फ़र्दर हम एड्रेस करेंगे. तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़. डियर व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.